आज के प्रोग्राम का मकसद किस तरीके से इसराइल हमला कर रहा है मज़लूमीन पर और पूरी दुनिया की आवाम ये देख रही है। 56-57 ममालिक कुरान ये दावत 1400 साल से दे रहा है कि आपस में तफरकाबाजी को ख़त्म करके एक जुट हो जाओ और याद करो अल्लाह की उस नेमत को, वज़्कुरू निअमतल्लाह अलैकुम। वो कौन सी नेमत है जिस नेमत की बदौलत तमाम तफरकाबाज ख़त्म होकर एक जुट हो जाएंगे? हकीकत में वो नेमत लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद। आज पूरी दुनिया की आवाम इसराइल के उस जुल्म को, उस तशद्दुद को, उस बर्बरियत को देख रही है, मगर कुर्बान जाइए। अल्लामा वक्त के मर्द मुजाहिद अल्लामा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक पैगाम दिया, ला शिया ला सुन्निया, इस्लामिया इस्लामिया, नहीं यहाँ पर कोई फिरका, कोई शिया सुन्नी तबलीगी वहाबी का मामला नहीं, बल्कि हुआ सम्मातुमुल मुस्लिमीन। अगर कुरान को तुम अपने अमल में देखना चाहते तो वक्त के मर्द मुजाहिद अल्लामा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से देखो कि 57 ममालिक अपनी जगह, उसमें एक मुल्क ईरान जो खड़ा होता है, वो कौन सा कल्ब है जिस कल्ब को लेकर खड़ा हुआ, वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी सबक है कि आज पूरे अवाम को जो है तमाम मुस्लिम ममालिक और पूरी जो है दुनिया को ये सबक दे रही कि अए लोगों, जुल्म के खिलाफ उठो, मजलूमीन की ताइद में उठो। और यही धर्म का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है, क्योंकि कुरान ने कहा कि एक नाहक किसी इंसान का कत्ल करना पूरे इंसानियत के कत्ल करना, वमन अहया फकअन्नमा अहया नास जमीअ, एक इंसान को जो है बख्श देना, हयात देना पूरे नस्ल इंसानियत को बख्शना, ये पैगाम जो हमको करबलाए मुअल्ला से जो है मिलता है। अल्लामा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसी पैगाम की तरफ है आप अपने मानने वाले मुत्तबईन को यह दरस दी कि आज ईरान जो खड़ा हुआ जो है मजलूमीन की ताइद में, फिलिस्तीन की ताइद में, आज फिलिस्तीन का अगर जो है वहाँ का माहौल को, वहाँ के मंजर को देखते हैं कि जो है माँ अपने आंखों के सामने मासूम बच्चे को जो है कुर्बान होते देख रही है, भाई जो है अपने बाप को शहीद होते देख रहा है, बाप अपने बेटे को शहीद होते देख रहा है, लेकिन जो है ये जुल्म तशद्दुद तुम हमको हमारे मकसद से, हमारे नस्लुल ऐन से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो है जुल्म सितम को सहना और इसको जो बर्दाश्त करना जो कल्ब हमको ने सिखाया, हमको जो है 1400 साल पहले जो है सीख लिया, कुरान ने यह दरस दिया है। तो आज ये पैगाम देना ज़रूरी कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम एकजुट होकर, इसलिए कि मजहब अल्लामा इकबाल फरमाते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान में, ये सिर्फ इसके तरफ मत जाओ कि मुसलमानों पर जुल्म, अरे नस्ल इंसानियत मानवता पर हमला हो रहा। हिंदुस्तान की मजहबी किताब जो है कई भगवत गीता, कृष्ण जी ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तमानं सृजामि हम, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म समस्थापना अर्थायु संभवामि युगे के। आपने कृष्ण जी जो है द्वापर युग में अर्जुन से कहते हैं, अय अर्जुन, जब भी उसको उर्दू जबान में जो है अर्थ उसका तर्जुमा बताते हैं कि बताया गया तनज्जुल में जिस वक्त आता है धर्म, आधर्म आकर करता है बाजार गर्म, ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो जो है अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, आया होके युग युग में आता हूँ मैं। कृष्ण जी ने कहा मैं हर युग में आता रहूँ, किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का परिपालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने,
दे गई है, तो ये किसी ये जुल्म तशद्दुद, ये मजलूमी पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा, ये किसी जो है अकीदा से या किसी जो है कमी मजहब से नहीं, बल्कि इंसानियत के नजरिए से आप देखो। हिंदुस्तान के कुरान ने कहा या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफू। अल्लाह ने तमाम इंसानों को एक मर्द एक औरत से पैदा किया और उस पर शुउबन व क़बाइला लितअरफू, ये कबीले खानदान जो है तारुफ के लिए पैदा बनाया है। और उसी के हिंदुस्तान की मजहबी किताब निरारंभ उपनिषद में आया न चर्मनो न रक्तस्य न मांस षष्टिनः न जातिर आत्मनो जाति विवाह पराकल्पितः। इंसान के चमड़े हड्डी गोश्त खून किसी चीज में जात पात नहीं है। ऐ इंसान तू क्यों जात पात बना लिया? जो जो है कायनात का रचना करने वाला रचयिता एक है। उस जो है आसमान से जब वर्षा होती है तो सारे मखलूकात के लिए होती है, जमीन से अनाज निकलते हैं तो सारे मखलूकात के लिए, सूर्य निकलता है तो सारे मखलूकात सारे जीव जंतु के लिए। तो आपस में भेदभाव के आदि जो है खड़ा होना है, तो हमको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, आज मजलूमीन के साथ खड़ा होना। जिस तरीके ने ईरान की सरजमीन से जो है मुजाहिदीन खड़े हुए, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहि सलाम के जो है नाम लेने वाले खड़े हुए, किसकी ताइद में, किसकी मोहब्बत में खड़े हुए? इंसानियत की मोहब्बत में खड़े हुए, मानवता की मोहब्बत में खड़े हुए, भाईचारे की प्रेम की मोहब्बत में खड़े हुए, ताकि किसी इंसान एक जो है ये जालिम ये फसादी ये जो है दगाबाज ये मक्कार कौम जो है जब यहाँ फिलिस्तीन में आई और उसके बाद वहाँ के लोगों से जो सिर्फ पाने के लिए जगह मांगती है, जब उन लोग जो है बिल बड़ा करके जगह दे दिए तो आज वो कौम उन पर तसल्लुत जमाने लगी। ऐसे जमने वाली कौम नहीं है। अरे कुरान ने कहा कुल जालहु वज़हल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ये जो है बातिल हमेशा के लिए मिटने के लिए है और बातिल मिटकर रहेगा, क्योंकि हक का पैगाम यह क्या हकीकत में ये हक क्या सच्चाई का पैगाम है, ये उपदेश है जो धर्म का जो है उपदेश है, ये सच्चाई का पैगाम है। इसीलिए जो है हिंदुस्तान की मजहबी किताब में कहा गया असतो मा सत गमया, ऐश्वर्य मुझे असत से सत की तरफ लाते। सत क्या है हकीकत में? सत यही है कि सच्चों के साथ हो जाना और जो है मजलूमीन के साथ हो जाना, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके साथ हो जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सहाबा से फरमाते हैं कि है तुम जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। तो सहाबा ने फरमाया जो है मजलूम की मदद करना तो समझ में आ गया, लेकिन जालिम की कैसी मदद करना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जालिम को जुल्म से रोकना इसकी मदद है। दार ईरान ने यह पहल कर दिया खुद, मुबारकबाद है ईरान, काबिले सताइश है कि आज पूरे ममालिक के जो मुसलमान खड़े हो जाना, पूरी जो है दुनिया के आवाम खड़े हो जाना और फिलिस्तीन की ताईद मजलूमीन की ताईद में किस तरीके से जो वहाँ की औरतें जो है अपने बच्चों की कुर्बानी दे, कौन सा कर्म है ये कर्म हकीकत में हमको कर्बला मुआल्ला से मिलता है कि जो है वालिदैन के सामने जो है बेटे कुर्बान हो रहे हैं लेकिन किस तरीके से हमने पैगाम के लिए जो है पेशानी पर बल नहीं है। लेकिन आज भी जो है मंजर देखना जो है हमको फिलिस्तीन की सरजमीन से मिलता है, वो अंबिया का मस्कन है, वो जो है बैतुल मुकद्दस तमाम जो है मेराज का वाकया अगर ले जाए तो हम अंबिया का वहाँ मस्कन वहाँ पर जमा हुए और वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है आप आगे के मकाम तो आप तय करते हैं। ये पैगाम हकीकत में अगर हम अगर तफसील तो वक्त नहीं है तफसीली रूप से अगर करते हैं चार वेद छह शास्त्र 18 कुरान 108 उपनिषद और बाइबल इंजील अगर गुरु ग्रंथ की भी अगर देखते हैं तो उसमें भी यही चीज है कि मजलूमीन के साथ खड़े हो जाना, जालिम के मध्य मुकाबले तुम जो है खड़े हो जाओ। गुरु ग्रंथ साहब में आया जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह उन्होंने एक पैगाम बनाया कि कोई भी सिख उस वक्त तक हमारे पास ना आए जब तक कि कृपान तलवार ना रख ले। तो ये कृपान तलवार क्यों रखा? जुल्म के खिलाफ कृपान रखना तलवार रखना है। तो हर मजहब की किताब ये कह रही है तुम मजलूमीन की ताईद में खड़े हो जाना। और इसका अमली सबूत आज ईरान मुकद्दस की सरजमीन से इसका जो है आगाज हो गया। आज जो है खुशी के जो है मजलूमीन के चेहरे एकदम जो है खुशी से झूम गए कि अल्लाह ताला किस तरीके से किसको पैदा कर दिया। ये इमाम हुसैन अली मकाम के नाम लेने वाले खड़े हुए, किसी की बात मजहब बातिल के आगे मार खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम मुसलमान नहीं है, ये इमाम हुसैन अली मकाम अलैहि सलाम का जो है कल्ब रखने वाले, आपके जो है याद में आपके नाम पे आपके नामूस के लिए जो है शहीद होने का जज्बा रखते हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे एक इसराइल में हजारों इसराइल भी आ जाए
लेकिन जब जो है जाने सारा ने हुसैन खड़े होते हैं तो ऐसे हजार इसराइल जो है नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दुआ के अल्लाह ताला तमाम लोगों में इत्तेहाद पैदा फरमाए और जो है मज़लूमीन के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, इसराइल को ना जो है नेस्तो नाबूद फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।